बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पाठ 7 टिपटिपुआ। तो बच्चों बारिश का मौसम रहता है, एक बुढ़िया अपने पोते के साथ एक झोपड़ी में रहती है। तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो उसकी जो झोपड़ी थी बच्चों वो ऊपर से पानी टपक रहा था, टप टप कर रहा था। तो जो पोता था अपनी दादी से कहानी कहने के लिए जिद करता है। तो जब बारिश हो रही थी तो बच्चों दादी खींच कर पोते से कहती है कि बेटा मैं क्या तुम्हें कहानी सुनाऊँ, जब टिपटिपुआ से जान बचे। तो बच्चों लीजिए प्रस्तुत है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, ऐसे बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस तरह से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरता डर टिपटिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़े। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आकर पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर मतलब बच्चे समझते हो, तालाब होता है, गढ़ई होता है, गांव की भाषा में गढ़ई बोलते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलिचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ को मोटा लट्ट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो बच्चों आज पाठ हम लोग इतना ही पढ़े हैं और कल आप लोग को और पढ़ाऊँगा। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, मैं निशान लगा रहा हूँ। मूसलाधार बारिश खींच कर हमला झटपट परेशान गायब ढूंढता पत्नी। तो बच्चों इतना मैं बताऊँ, आगे मैं और कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।